हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक भारत एंड आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले रियलमी 9 सीरीज़ के बारे में। हमने पिछले ही महीने रियलमी की तरफ से उसके फ़ोन्स देखे थे, जैसे कि रियलमी 9 प्रो, रियलमी 9 प्रो प्लस, और इस महीने भी रियलमी चुप नहीं बैठने वाला है। रियलमी इस महीने भी हमें दो और नए फ़ोन्स इंडियन मार्केट में रिलीज़ कर रहा है। तो उसमें से सबसे पहले जो सबसे बेस वाला मोबाइल होने वाला है वो रियलमी 9 होने वाला है, और उससे अच्छा मोबाइल होने वाला है रियलमी 9 SE। तो आज की वीडियो में मैं रियलमी 9 SE की बात करूंगा, और जो SE है वो कुछ लोग कह रहे हैं स्पेशल एडिशन स्टैंड करता है, और कहीं जगह लिखा है कि स्पीड एडिशन स्टैंड करता है। तो आप देख लो आपको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है सुनने में। तो स्पीड एडिशन की अगर मैं बात करूं, मतलब क्योंकि इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलने वाले, और थोड़ा गेमिंग सेंट्रिक फोन होने वाला है क्योंकि इस फोन में हमें रिफ्रेश रेट भी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो आइए चलिए इस वीडियो में आपके साथ सब कुछ कवर करूंगा। तो सबसे पहले इस फोन की मैं अगर बिल्ड एंड लुक से स्टार्ट करूँ, तो हमें इस फोन की बिल्ड एंड लुक्स बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिलती है, जो की अक्टूबर के महीने में एक मोबाइल रिलीज हुआ था चाइना में, Q3S के जैसी। और जो Q3S है वो ही रिब्रांडेड वर्जन है रियलमी 9 SE का। तो एकदम सब कुछ सेम रहने वाला है जो कि पिछले साल अक्टूबर में चाइना की मार्केट में या गलियों में देखा गया था। तो रियलमी 9 SE की बात करूं, तो इस फोन की बिल्ड में हमें प्लास्टिक की बैक देखने को मिलने वाली है, प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलने वाला है, और रेक्टेंगुलर हाउसिंग में ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है। वेल, ट्रिपल कैमरा सेटअप तो नाम के लिए ही है, वो मैं आपको आगे चल के कैमरा वाली बात में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फ्रंट में ग्लास दे रखा है, और जो डिस्प्ले है वो 6.6 इंच की डिस्प्ले है, और IPS LCD डिस्प्ले, क्योंकि इस फोन का रिफ्रेश रेट काफी हाई रखा गया है जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये आता है। 144 हर्ट्ज इस फोन का रिफ्रेश रेट रखा गया है, और 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस फोन के अंदर आती है। 144 हर्ट्ज तो काफी ज्यादा होता है, और ये बैटरी भी ज्यादा पिएगा तो एडेप्टिव रिफ्रेश रेट ये होता है। लाइक अगर आपको नॉर्मल काम करना है तो 35 हर्ट्ज पे ये स्विच हो जाएगा, और आपको गेमिंग वेमिंग करनी है जब ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत है तो ये 144 हर्ट्ज पे स्विफ्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी डिस्प्ले इस फोन की रहने वाली है। IPS LCD डिस्प्ले और 144 हर्ट्ज का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा इस फोन के अंदर देखा जा रहा है, देखने को मिलेगा। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इस फोन के अंदर, क्योंकि जो शक्ति प्रदान करता है वो स्नैपड्रैगन है और कोई नहीं है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर 6 nm के आर्किटेक्चर पे ये प्रोसेसर आता है, और ये प्रोसेसर दे के इस फोन के अंदर रियलमी वालों ने जान डाल दी है। GPU का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, एड्रिनो की तरफ से हमें GPU मिलने वाला है, 642L GPU इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। पावर एफिशिएंट प्रोसेसर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि 6 nm के आर्किटेक्चर पे प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। मेमोरी टाइप में हमें तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 6 GB रैम विद 128 GB स्टोरेज, 8 GB रैम विद 128 GB स्टोरेज, एंड 8 GB रैम विद 2 GB स्टोरेज। अब यहाँ पर ना रियलमी वालों ने एक चाल चली है, क्योंकि हमें जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.1 दी गई है, और रैम टाइप LPDDR4X दी गई है। ये दोनों चीजों में कमी करके हमें डिस्प्ले अच्छी देने की कोशिश करी और परफॉर्मेंस अच्छी देने की कोशिश करी है, बट यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग रखी गई है, और इससे भी ज्यादा कॉस्ट कटिंग तो कैमरे में रखी गई है। भाई अब तो लोग सुन के हंसोगे, कैमरे में बस हमें जो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है उसमें बस एक जो कैमरा है वो 48 MP का नॉर्मल सा कैमरा है, और जो दो कैमरे हैं वो 2 MP के कैमरे हैं, एक 2 MP का मैक्रो और एक 2 MP का डेप्थ कैमरा। मतलब देख रहे हो कितनी बुरी बात है, 2022 चल रहा है और ये 2 2 MP के कैमरे दे रहे हैं ट्रिपल कैमरे के नाम पे, बहुत बुरी बात, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुनकर। वीडियो आप जो 48 MP का कैमरा उससे 4K में सपोर्ट कर पाओगे 30 FPS, एंड जो सेल्फी शूटर है, जो सेल्फी कैमरा है वो 16 MP का हमें देखने को मिलेगा, और इसमें आप 1080p विद 30 FPS वीडियो शूट कर पाओगे। साउंड स्पीकर इस फोन के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एक सिंगल बॉटम स्पीकर दे रखा है, कोई स्टूडियो स्पीकर नहीं दे रखा। लाइक गेमिंग के टाइम अगर दो स्पीकर इस फोन के अंदर मिल जाते तो थोड़ा अच्छा रहता है। 3.5 mm का हेडफोन जैक है, ये तो काफी अच्छी बात है। NFC का सपोर्ट नहीं है, रेडियो इस फोन के अंदर नहीं है। वेल, रेडियो अगर कोई यूज करता है आज के जमाने में भी तो कमेंट करके जरूर बताना फोन के अंदर। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है फोन के अंदर। और अब अगर सेंसर्स की बात कर ले तो फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, जायरो कंपास वो सारे सेंसर फोन के अंदर अवेलेबल है। बैटरी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और फास्ट चार्जिंग इनबॉक्स आएगा, जो चार्जर 30 वॉट का फास्ट चार्जर आएगा, जो कि रियलमी क्लेम करते हैं कि 25
25 मिनट में 50% आपका फोन चार्ज हो जाएगा। कलर्स, दो कलर्स के अंदर ये मोबाइल अवेलेबल होगा, अरोरा और डार्क ब्लू। अरोरा जो है वो लाइट से लाइट की अलग अलग फॉर्म में अपने रंग दिखाता है, तो कुछ ऐसा ये फोन रहने वाला है। और अगर अब हम इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो डेफिनेटली कंफर्म्ड है कि 20,000 के अंदर ये फोन हमें देखने को मिलेगा, और जो बेस वेरियंट है वो लगभग 18,000 के आसपास देखने को मिलेगा मार्च 10 से। आई होप फोन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ठीक ही है यार, मतलब कैमरा बेकार है, प्लास्टिक बॉडी है, और आप देख लो कि आपको क्या क्या इस फोन के अंदर पसंद आया। और हाँ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बताऊं तो एंड्रॉइड 12 पे फोन आएगा और रियलमी UI 3.0 पे रन करेगी UI। तो कुछ ऐसा था ये फोन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, हर बार ही भूल जाते हो और मेरे को बार बार याद दिलवाना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली में।